Hey everybody, Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Welcome back to my channel and welcome to another video. Uh, आज की जो वीडियो है दैट इज़ ऑल अबाउट विंटर स्किन केयर अगर आप लोगों में से किसी को भी विंटर्स uh, में ड्राई स्किन का इशू है या फिर क्रैकड हील्स का इशू है या फिर किसी भी किस्म की एक्सट्रीम ड्राइनेस आप लोगों को फेस करनी पड़ती है विंटर सीजन में तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है आप लोगों के साथ आज मैं एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके बहुत सारे मसलों को हल कर देगी वो किस तरह की है कितनी इफेक्टिव है और कहाँ से मिलेगी कितने की मिलेगी ये सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसलिए आपने वीडियो पूरी देखनी है वीडियो विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू सो so, वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो जब विंटर सीज़न स्टार्ट होता है तो तकरीबन ड्राइनेस का इशू हर इंसान को ही फेस करना पड़ता है क्योंकि जो हवा है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड और ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है और हम लोगों को ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है अब एक सिंपल सी अगर नॉर्मल सी ड्राइनेस हो रही है तो वो तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र या फिर लोशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी वो ड्राइनेस ख़त्म हो सकती है लेकिन समटाइम्स ड्राइनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको डिफरेंट किस्म की स्किन प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं जिस तरह एग्जीमा है सोराइस है डर्माटाइटस है और डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं स्किन के वो स्टार्ट हो जाते हैं इसके अलावा आपकी जो हील्स हैं स्पेशली वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाती हैं आपकी एल्बोज़ और नीज़ जो हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्लेकी हो जाती है ड्राई पैचेज़ वहाँ पर बन जाते हैं और समटाइम्स तो इस तरह की स्किन हो जाती है कि जिस तरह ज़ख्म हो जाते हैं सो so, इस तरह की जो स्किन कंडीशन होती हैं उनको हम एक सिंपल मॉइस्चराइज़र या फिर लोशन के साथ डील नहीं कर सकते उनके लिए हमें कोई प्रॉपर मेडिकेटेड प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करनी पड़ती है इसी तरह की एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ दैट इज़ हाइड्रेक्स इट इज़ बेसिकली एन इमोलिएंट अब इमोलिएंट क्या होता है इमोलियंट इज़ अ मॉइस्चराइजिंग ट्रीटमेंट दैट इज यूज टू सूथ एंड सॉफ्ट इन स्किन सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की तो इस तरह का इसका जो है वो प्लास्टिक का कंटेनर होता है जिसके अंदर ये इमोलियट आता है इमोलियट एक इस तरह की चीज़ होती है जो कि आपकी स्किन के ऊपर अगर ड्राइनेस एक्सट्रीम हो गई है और वो किसी भी मॉइस्चराइज़र से खत्म नहीं हो रही है तो आप डायरेक्टली इमोलियट अप्लाई करते हैं और आपकी वो ड्राइनेस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और आपकी जो स्किन फ्लेकी हुई होती है और उस पर इचीनस होती है ख़ारिश होती है वो ख़त्म हो जाती है अब ये जो हाइड्रेक्स इमोलियट है दैट इज़ यूज बाय माई मदर मेरी मदर को एक हो गया था ड्राइनेस की टेस्ट से और उन्होंने इसको यूज किया है एंड शी हैड अमेजिंग दिस क्योंकि उनकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो गई थी इसके अलावा उनको स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गई थी और साथ में उनकी जो स्किन है वो डार्क हो गई थी कम्पलेक्शन वहां से उस सारी जगह से जो है वो डार्क हो गया था उनके पाँव पे एक्जिमा हुआ था और पूरा उनका पाँव जो है वो काला हो गया था लेकिन ये हाइड्रिक्स करने के बाद उनकी स्किन जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है और काफ़ी उनकी स्किन की ड्राइनेस जो है वो खत्म हो गई है इसके अलावा सर्दियों में जिस तरह स्किन जो है उसके ऊपर कहीं कहीं ड्राई पैचेस बन जाते हैं मैंने उनके ऊपर भी इसको अप्लाई करके देखा है एंड विद इन डेज़ जो है ये आपकी उस ड्राई पैचेस को जो है वो ख़त्म कर देती है और आपकी स्किन को वहाँ से दोबारा से सॉफ्ट और सपल कर देती है इसके अलावा इसको मैंने क्रैकड हील्स के ऊपर अप्लाई करके देखा है नॉट ऑन माई सेल्फ बट ऑन माई फादर और ये बहुत 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 अच्छे रिज़ल्ट देती है हील्स को जो है वो क्रैक होने से रोकती भी और अगर आपकी हील्स हैं ऑलरेडी तो उनको बेहतर भी बनाती है इसके चार के ऊपर खुद से भी मेंशन उन्होंने किया हुआ है दैट इट इज़ फॉर एक्स्ट्रा ड्राई स्किन कंडीशंस यानी कि जब आपकी स्किन जो है वो एक्सट्रीमली ड्राई हो जाए तो आप लोग ये हाइड्रेट सेमोलिनट अप्लाई कर सकते हैं दैट विल सूथ योर स्किन एंड सॉफ्ट योर स्किन और आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगी आपकी स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है उसको दोबारा से जो है वो बैलेंस कर देगी अब आ, मैं आप लोगों को इसका अगर टेक्स्चर दिखाऊं अंदर से इट इज़ मोर लाइक अ वैजिल जिसमें वैजिलीन की पेट्रोलियम जेली होती है बट इट इज़ वेरी लाइट बट ये वाली जो है ये काफ़ी थिक है और ये ज्यादा एक्सट्रीम ड्राइनेस के लिए है अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ आप लोग देख सकते हैं कि अंदर से किस तरह की है इट्स इन वाइट कलर जिस तरह वेजिलीन होती है उसी तरह से ये है और इसका जो टेक्स्चर है वो थोड़ा सा ज्यादा थिक है अगर हम कंपेयर करें वैजिलीन के साथ सो दिस प्रोडक्ट इज़ अंडर डर्मा टेक्नो जिनका यू सनस्क्रीन है ये उसी कंपनी के अंडर आती है सो so आप लोग इस बात से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट है अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इट रिटेल्स फॉर अराउंड टू फोर्टी रुपीज़ और इसको आप डर्माटेक्नो की वेबसाइट से भी ले सकते हैं और किसी भी फार्मेसी या डिपार्टमेंटल स्टोर से भी ले सकते हैं अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगी कुछ अर से पहले हमने इसको लिया था तो इसकी ये जो दूसरी वाली पैकेजिंग मैंने आप लोगों के सामने इस टाइम रखी है ये वाली पैकेजिंग में हमें ये मिली थी हाइड्रिक सेमोलियंट और इसकी जो वर्किंग थी वो भी एक्जैक्टली सेम थी जिस तरह से इस ग्रीन कैप वाले जार की है आई डोंट नो अब ये फेक और रियल में कोई फ़र्क है या क्या प्रॉब्लम है लेकिन इन दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम थी इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये दूसरी वाली भी जो है वो बिल्कुल सेम ही है फेक प्रोडक्ट नहीं थी लेकिन डरमाटेक्नो की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये ग्रीन कैप वाला जार ही बना हुआ है सो आई वुड कंसिडर ये ज्यादा बेहतर है कि अगर आपको ये ग्रीन कैप वाला जार मिलता है तो आप ये वाली ले लें लेकिन अगर आपको दूसरी वाली भी मिल जाती है तो उसकी भी वर्किंग एग्जैक्टली सेम है बिल्कुल ग्रीन जार वाले की तरह ही। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियोज़ को पूरा देखा करें इसके अलावा प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें आपका कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी आपने कमेंट देना हो कोई सजेशन देनी हो यू कैन कमेंट डाउन ऑन माई वीडियो और आप लोग मुझे इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके बता सकते हैं अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा इन शाला नेक्स्ट टाइम भी मेरे को अच्छी सी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी तब तक के लिए अल्लाह हाफि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा